दोस्तों, मेरे चैनल संजीत सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज हम हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस संगीतकार शंकर जयकिशन जी से जुड़ा हुआ कुछ बातें मैं बता रहा हूं, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। शंकर जयकिशन दो दोस्त थे और दोनों के नाम को मिलाकर के शंकर जयकिशन के नाम से लोग जानते थे, लेकिन जयकिशन अलग थे, शंकर अलग थे। जयकिशन के गुजर जाने के बाद शंकर जी ने एक हिंदी फिल्म में जो काम था वो जारी रखा। लोगों को लगा कि अब ये बेहतर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी ने फिल्मों में काम जारी रखा और संगीत देते रहे। वो सारे संगीत जो थे, वो सारे गाने जो थे, वो हिट होते रहे, जिसे लोग हैरान थे। शंकर जयकिशन जी की जोड़ी बनी थी 1948 के आसपास और उनका जो संगीत से सजा पहला फिल्म था बरसात, लेकिन फिल्म रिलीज हुई 1949 में। गीत और संगीत ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और ये गीत और ये संगीत ये फिल्म में सुपरहिट साबित किया। और जरा सुनिए इस गाने का एक थोड़ा सा मुखड़ा। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात। इसके बाद तो ये हिंदी सिनेमा पर छा गए, एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। और बॉलीवुड की जानी मानी सुरीली सिंगर शारदा जी इनके बहुत सारे गाने गाए। शारदा जी ने जयकिशन जी के संगीत में जो मेलोडियस संगीत भरा, जो सुर भरा, वह बहुत ही हिट हुआ। जरा इनका आवाज़ का एक छोटा सा नमूना आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिल जो है ना बाग बाग हो जाएगा। आपको एक बात और भी बता दें, शंकर जी में और जयकिशन जी में बहुत गहरी दोस्ती थी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन शारदा जी के एंट्री के बाद थोड़ी सी दोस्ती में दरार सब पैदा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि शंकर जयकिशन ने जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि जब शंकर जी कोई धुन बनाया करते थे तो उस धुन को गाने के लिए जब दिया जाता था तो वो शारदा जी को दिया जाता था, और दूसरे तरफ जयकिशन जी किसी गाने का धुन बनाते थे तो उसके लिए लता मंगेशकर को दिया जाता था। इस तरह थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो गया था दोस्ती में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन संगीत का कोई कमी नहीं था, संगीत जारी था। हिट कोई बात छोड़िए, सारा जो संगीत था वो सुपर हिट जा रहा था। लेकिन फिर साल आया 1971 में, एक अनहोनी घटना हो गई। जब साल 1971 आया तो एक अनहोनी घटना हो गई और जयकिशन जी इस दुनिया से चल बसे, इस दुनिया को बाय बाय कह दिया, और यह बहुत ही दुखद खबर था। शंकर जी भी इस बुरी घटना से पूरी तरह से टूट चुके थे और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। इसका अंजाम यह हुआ कि इनको फिल्में में मिलना काफ़ी कम हो गया, फिल्में में गाना लिखना काफ़ी इन्होंने कम कर दिया। जो भी हाथ में फिल्में आती थी वो रिलीज नहीं हो पा रही थी। 1971, 72, 73 लोगों को लग रहा था कि अब शंकर जयकिशन की संगीत में अब वो बात नहीं रहेगी, इसलिए इन्हें अब नई फिल्में मिलना लगभग बंद हो गया था। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्हें इनके ऊपर शंकर जी के ऊपर काफ़ी भरोसा था, वो थे सोहन लाल कावर। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोहन लाल कावर ने शंकर जी पर भरोसा जताया और जयकिशन जी के गुजर जाने के लगभग 3 या 4 साल के बाद कुंवर साहब ने एक फिल्म दिलाई शंकर जी को, नाम था सन्यासी। जी हाँ, उस समय का बड़ा ही मशहूर फिल्म हेमा मालिनी के द्वारा था, ये हेमा मालिनी इसमें हीरोइन थी, बड़ा शानदार फिल्म था। यही फिल्म रिलीज हुई थी, ये जो फिल्म थी रिलीज हुई 1975 में और फिल्म ब्लैक वास्टर रहा, मतलब हिट रहा। लेकिन पहले जैसे शंकर जी अपने गीत में शारदा जी को दिया करते थे, फिल्म सन्यासी के लिए उनका यही मानना था कि ये गीत भी वही गाएं, शारदा जी ही गाएं। लेकिन सोहन लाल कंवर जी ने शंकर जी को मनाया, लता जी से बात करवाई, दोनों में पैचअप करवाया और कहा कि आप इस फिल्म सन्यासी का गीत जो है वो लता जी से गवाइए।
लता जी मान गईं और शंकर जी के गीत में लता जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना सुरीली जानदार शानदार आवाज दिया। और जरा सा इस गीत का ये मुखड़ा तो सुनिए, देखिए कितना लाजवाब है। चल सन्यासी मंदिर में। इस गीत के बाद फिर इसी फिल्म में लौटते हैं इस शानदार गीत के बाद, कि जब इस फिल्म में काम चल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि कुंवर लाल जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो अपने फिल्म में जो गाने हैं वो शंकर जी के द्वारा लिखवा रहे हैं और शंकर जी इस फिल्म के गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुंवर साहब को पूरा भरोसा था और वो फिल्म का गीत और संगीत तैयार करने के लिए इन्होंने इन्हीं को दिया और लता मंगेशकर और मुकेश साहब ने जो गीत गाया वह इस फिल्म में जान डाल दी। जरा इस गीत के कुछ पंक्तियों को सुने, आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि गीत कितना शानदार जानदार था। झूठा गुरु का वचन करूं कैसे, साधु हूं तेरा सा। फिल्म सन्यासी का जितने भी गीत थे वो सारा गीत एकदम सुपरहिट था। इस पूरे फिल्म में लता मंगेशकर और मुकेश कुमार के गाए हुए चार गाने जो हिट हुए उनके एक 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 ही राग था, राग भैरवी पर बनाया गया था। ये चारों गाने जो थे राग भैरवी पर आधारित थे। फिल्म सन्यासी के लिए सुपरहिट साबित हो रहा था और साल 1975 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। शोले और जय संतोषी माँ के बाद इस फिल्म से शंकर जी ने दिखा दिया था कि वे अभी भी किसी से कम नहीं हैं। उनके संगीत में जो ताजगी थी, जो जोश था, वो आज भी बरकरार है। फिल्म में जो क्रेडिट टाइटल दिया गया संगीत का, वह शंकर जय किशन ही रखा गया और ये एक बहुत अच्छी सोच थी शंकर जी का। जय किशन जी के गुजर जाने के बाद जितनी भी फिल्में में शंकर जी ने संगीत दिया उसमें म्यूजिक वाई शंकर जय किशन ही दिया, टाइटल शंकर जय किशन ही दिया इन्होंने। यही होती है दोस्ती की, जो मरते दम तक वो अमर रहती है और निभाई जाती है। इस फिल्म में एक्टर प्रेमनाथ का एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग था और बड़ा फेमस हुआ, बम बम महादेव, जो लोग इसे खूब इंजॉय किया करते थे। तरह इसका धुन सुनिए। इस फिल्म के जो मधुर संगीत थे उन्हें लिखने वाले भी बड़े कमाल के थे, एमजी हसमत, हसरत जयपुरी, इंदिवर साहब, वर्मा मलिक और विट्ठल भाई पटेल ने अपने कलम से इन गीतों को सजाया था, सवारा था और जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा सारे गाने। तो दोस्तों, शंकर जय किशन का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और इन्हीं तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर संजीत सिंह ब्लॉग या संजीत सिंह टीचर नाम से जो चैनल है उस पर आप बने रहें। अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके पास वीडियो मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।